हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ एक बार इस्तेमाल से दांत का कीड़ा बाहर निकाले। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या आपके दांत में कीड़े हो गए हैं? ना आप कुछ खा पा रहे हैं और ना ही आप मुस्कुरा पा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई समस्या है तो आपके लिए मैं कुछ जानकारियाँ लेके आई हूँ। दांत हमारे शरीर और जिंदगी दोनों का ही एक अहम हिस्सा होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को काम करने के लिए खाने की जरूरत होती है और हमें खूबसूरत दिखाई देने के लिए सुंदर दांतों की जरूरत होती है। दांत खाना खाने के काम तो आते हैं, ये खाने को चबाने के काम आते हैं। जब हम खाने को चबाते हैं तभी हम खाने को पचा पाते हैं। बिना खाने को चबाए हम खाना नहीं पचा पाएंगे, इसीलिए दांत हमारी जिंदगी में एक अहम व इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारे दांत में दर्द होने लगता है या दांत में कीड़ा लग जाता है तो हम अच्छे से ना तो खाना खा पाते हैं और कीड़ा लगने के कारण हम अच्छे से मुस्कुरा भी नहीं पाते हैं। हमें एक डर और शंका सी लगी रहती है कि अगर हम हंसेंगे तो कहीं किसी को हमारे दांत में लगा हुआ कीड़ा ना दिख जाए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर में स्वस्थ दांतों का होना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए दांतों का मजबूत व स्वस्थ बनाए रखने के लिए समय समय पर इनकी देखभाल करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन आजकल लोग अधिक मीठा खाना पसंद करते हैं और आजकल लोग दांतों की सफाई के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। रात को खाना खाने के बाद, चॉकलेट खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद ब्रश नहीं करते, जिनकी वजह से उनके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ दर्द होना भी शुरू हो जाता है। शुरू में तो कीड़ा छोटा होता है और ना ही दिखाई देता है और ना ही उसमें कोई दर्द होता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद दांतों में कीड़ा भी बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे दर्द भी शुरू होने लगता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और आपने तरह तरह के उपाय करके देख लिए हैं लेकिन फिर भी आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगी जिसके मात्र एक या दो उपयोग से आप अपने दांतों के कीड़े को बाहर निकाल सकते हैं और आप अपने दांत के दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। मात्र एक या दो बार आपको इसका इस्तेमाल करना है और आपके दांतों का कीड़ा बाहर हो जाएगा। आइए जानते हैं कि वो उपाय क्या है और उसको कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो है एक चुटकी चूना। हमने पान वाला चूना लेना है। आप किसी भी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, जिस चूने से पान बनाया जाता है आपको वही चूना लेना है। और दूसरा है फिटकरी, ये भी आपको किसी भी पंसारी के शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब आपको फिटकरी को कूट कर पाउडर बना लेना है। अब एक चुटकी चूने को और एक चुटकी फिटकरी के पाउडर को मिला लेना है। इसमें पानी की सहायता से इन दोनों को मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को किसी सुई या माचिस के तीले के ऊपर रुई लगाकर इसे अच्छे से इस पेस्ट में डुबोकर उसके बाद इसे जहां आपके दांत में कीड़ा लगा है वहां पर लगा ले अच्छी तरीके से, ताकि कीड़ों की जड़ों तक ये पूरी तरह लग जाए, तभी ये आपका काम करेगा। अगर आप ऊपर ऊपर करेंगे और हटा लेंगे तो फिर ऐसे काम नहीं करेगा। आपको पूरे प्रॉपर तरीके से अच्छे से अपने पूरे दांत और जाड़ के ऊपर कीड़े के ऊपर इसको लगाना है, ताकि आपको कीड़े से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। इसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए मुंह को खोल कर रखना है। अगर आप साथ के साथ मुंह बंद कर लेते हैं तो जीभ लगने के कारण या आपका दूसरा ऑपोजिट साइड वाला दांत लगने के कारण वो पेस्ट हट जाता है और आपका यह नुस्खा काम नहीं करता, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए अपने मुंह को खोल कर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 या 3 मिनट में ही आपके मुंह से लार चलने लगेगी, जिसके साथ साथ आपका कीड़ा भी बाहर निकल जाता है। अगर आपका पहले बार में कीड़ा बाहर नहीं निकलता तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप दूसरी या तीसरी बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके दांत का कीड़ा बाहर निकल आएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।